दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको जॉब करते हुए कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और वहाँ पर आपकी कंपनी के मालिक ने या फिर आपके सीनियर अकाउंटेंट ने आपको ये बात बोली कि आप हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं उन सभी सप्लायर्स के अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाओ और अपनी बुक्स के साथ उसको मैच करो, और उसके दौरान अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को नोट करके हमें बताओ, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे भी हमें अकाउंट स्टेटमेंट किस प्रकार से मिलानी होती है, चाहे वो हमारा सप्लायर्स हो चाहे वो हमारा कस्टमर हो, और उसको हम हमारे टैली सॉफ्टवेयर के साथ उस रिकॉर्ड को किस प्रकार से मैच करेंगे। तो ये इस टाइप का कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में है तो आज की इस वीडियो का पूरा एंड तक देख लेना, सारे कन्फ्यूज़न आज की इस वीडियो में आपके दूर होने वाले हैं भी हम किस प्रकार से अकाउंट के स्टेटमेंट को मिलान करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अकाउंट स्टेटमेंट को समझते हैं भी हम अकाउंट स्टेटमेंट बोलते किसको हैं। तो दोस्तों, अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब हो गया चाहे वो हमारा कस्टमर है चाहे वो हमारा सप्लायर्स है, यानी कि जिसे हम परचेज करते हैं, तो उसके दौरान हमने चाहे वो आपका पूरे साल का डाटा हो चाहे वो आपका एक मंथ का रिकॉर्ड हो, तो आपने जितना भी उनसे कोई गुड्स परचेज किया हो या आपने जितना उनको सेल किया हो, कितनी पेमेंट आपने रिसीव करी, जितनी भी हमने उनके साथ ट्रांजेक्शन करी है, उन सभी ट्रांजेक्शन को मिलान करना अकाउंट स्टेटमेंट होता है। यानी कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड पर्टिकुलर एक अकाउंट्स की डिटेल होती है। अब जैसा कि अब हमारे पास श्री बालाजी इंटरप्राइजेस का ये अकाउंट स्टेटमेंट आया हुआ है और हमारी कंपनी है एबीसी ट्रेडर्स, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, श्री बालाजी ट्रेडर्स, बालाजी इंटरप्राइजेस है वो हमारे लिए सप्लायर्स है, यानी कि हमने इस कंपनी से कुछ प्रोडक्ट परचेज भी किए होंगे, हो सकता है कुछ हमने उनको सेल भी किया होगा, लेकिन अब हमें ये सारी ट्रांजेक्शन ये चेक करनी है भी ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने हमारे टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर रखी है या नहीं कर रखी है। तो सबसे पहले हम इस पार्टी का स्टेटमेंट देखते हैं, तो यानी कि श्री बालाजी इंटरप्राइजेस के द्वारा ये प्रोवाइड किया हुआ स्टेटमेंट है हमको। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है भी आपने 18/10 को इन्होंने सेल किया है, ये उसका वाउचर नंबर है और अकाउंट इनकी सेल है, तो यानी कि इन्होंने सेल करी है हमारे को 2330 रुपये का ये कोई इनवॉइस बना है। तो इसी तरीके से हमने इसको अगेंस्ट के अंदर ये कुछ केस भी दिया हुआ है और हमारे को इन्होंने 214 यानी कि 214 नंबर की रिसिप्ट भी दी हुई है, अमाउंट थी उसकी 1560 रुपये की। तो इस तरीके से ये कुछ ट्रांजेक्शन हमारे पास है, कुछ डेबिट की भी है और कुछ क्रेडिट की भी है। तो अब इन पार्टी यानी कि श्री बालाजी इंटरप्राइजेज की तरफ से ये बैलेंस हमारा क्या निकाल रहे हैं भी हमने आपसे 1471 रुपये लेने हैं, क्योंकि इनका बैलेंस देखो किस साइड के अंदर जा रहा है, डीआर साइड के अंदर, और ये डीआर साइड कौन बोल रहे हैं, बालाजी इंटरप्राइजेस की तरफ से बोला जा रहा है भी हमने एबीसी ट्रेडर्स को 1471 रुपये से अभी भी आपका अकाउंट है जो डेबिट है, यानी कि पैसा हमने लेना है। और अब हम चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर में, ये सारी ट्रांजेक्शन हमने कर रखी या नहीं कर रखी, क्योंकि हमारी कंपनी कौन सी है, एबीसी ट्रेडर्स। तो अकाउंट स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले पर हम जाएंगे, उसके बाद अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और उसके बाद हम लेजर पर जाएंगे। अब हमें यहाँ से लेजर किसका सेलेक्ट करेंगे, श्री बालाजी इंटरप्राइजेस का। और सबसे पहले एक बार आप क्लोजिंग बैलेंस देख लो, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या कह रहा है भी 1615 रुपये और 80 पैसे, बैलेंस किस साइड के अंदर आ रहा है आपका, क्रेडिट साइड के अंदर, यानी कि अब आपकी कंपनी की तरफ से 1615 रुपये 80 पैसे श्री बालाजी इंटरप्राइजेस को देने हैं, जबकि बालाजी इंटरप्राइजेस क्या कह रहे हैं भी हमने आपसे 1471 रुपये लेने हैं। तो एक तो सबसे पहले तो आपका ये आपस के अंदर इस अमाउंट का ही डिफरेंस आ गया, लेकिन आपको इसी अमाउंट तक सीमित नहीं रहना, आपको पर्टिकुलर सारी ट्रांजेक्शन मैच करनी है। किस प्रकार से मैच करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भी, जैसा कि आप देख रहे हो ये 2330 रुपये का इनवॉइस था, तो ये हमारे लिए तो परचेज है, ये इसका वाउचर का नंबर है। तो अब हम श्री बालाजी इंटरप्राइजेस को अगर क्रेडिट किया हुआ है तो ये श्री बालाजी इंटरप्राइजेस हमारी कंपनी को क्या करेगा, डेबिट करेगा, तो ये ट्रांजेक्शन आपके साथ मैच होगी। इसी तरीके से हम सेकंड ट्रांजेक्शन,
5326.50 की, और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 5327। तो यानी कि ये राउंड फिगर का डिफरेंस आपके साथ अभी चल रहा है। उसके बाद के अंदर 6466.40 आपकी हमारी कंपनी टेली सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री हमने कर रखी है, और स्टेटमेंट के अंदर आया हुआ पूरा 6466.66 पूरा, यानी कि राउंड फिगर कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं है। और उसके बाद के अंदर दो ट्रांजेक्शन और हैं 2745.12 की और 3404.78 की। तो इस स्टेटमेंट के अंदर 2745 पूरा है, और जो 3404.78 था इसको 3405 पूरा कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं भी कुल मिला के हमारी जो क्रेडिट साइड की जो ट्रांजेक्शन है, इनकी सप्लायर की डेबिट साइड की ट्रांजेक्शन और हमारी बुक्स की क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट सबसे मिल रही है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो हमारे क्रेडिट का टोटल टेली सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 20,272.80, और सॉफ्टवेयर आपका दिखा रहा है 20,273, यानी कि राउंड फिगर आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड ऑलमोस्ट आपकी मैच हो रही है। अब हम चलते हैं वापस हमारी डेबिट साइड और कंपनी की क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले जो हमारे पास तीन ट्रांजेक्शन हमारे को दिख रही है 1560 की, 6097 की और 11000 की। तो ये ट्रांजेक्शन हमारे साथ मैच करके देखते हैं हम। 1560 की हमारी मिलगी, 6097 की भी मिलगी और 11000 की मिलगी। लेकिन अब ये 145 की ऐसी ट्रांजेक्शन है जो हमारे पास तो नहीं है सॉफ्टवेयर पे। अगर हम देखें तो हमारा ये डेबिट साइड के अंदर कहीं भी 145 की ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम पार्टी के स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 145 की ट्रांजेक्शन इन्होंने कर रखी है। अब यहाँ पर दो बातें आती है, कौन कौन सी भी। सबसे पहले हमारे पास एंट्री नहीं है लेकिन कंपनी ने एंट्री करके भेजा है स्टेटमेंट, तो यही आपका डिफरेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस के अंदर भी। तो अब ये हमें कंपनी से ये इस बात को हमें थोड़ा सा वेरीफाई करना होगा भी ये 145 की जो आपने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है उसका वाउचर हमें प्रोवाइड कराओ। ठीक है, पहली बात, अगर आप हमारी ट्रांजेक्शन है तो हमें वाउचर प्रोवाइड कराओ। अगर ये बाई दुआ गलती कंपनी की ट्रांजेक्शन के अंदर भी गलती हो सकती है, मान लीजिए ABC ट्रेडर्स कोई और था, ये ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में जानी चाहिए थी बट उन्होंने उसके अकाउंट में क्रेडिट ना करके हमारी कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो अब ये दो रीजन हो सकता है, बाई क्लेरिकल मिस्टेक के कारण भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है, या फिर अगर आपका रियल आपका पैसा है ये 145 तब देन आपको ये जो क्रेडिट नोट यहाँ पे देख सकते हो टाइप के अंदर सेल रिसिप्ट, तो ये आपका CR नोट यानी कि क्रेडिट नोट कंपनी ने आपको इशू किया कोई टारगेट डिस्काउंट के अगेंस्ट में। तो सबसे पहले तो आपको अगर आपके पास ट्रांजैक्शन, अब ये गलती आपके पास भी हो सकती है, मान लीजिए ये श्री बालाजी इंटरप्राइजेस के अकाउंट के अंदर हमें डेबिट करना था, हमारी ये ट्रांजेक्शन हमने गलती से किसी और किसी अकाउंट के अंदर डेबिट न कर दी हो, तो हमें भी इस बात को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ये आपने ये ट्रांजेक्शन अभी तक करी नहीं है हमारे टेली सॉफ्टवेयर में, तो आपको इस कंपनी से ये इस जो आपका क्रेडिट नोट है इसको आप प्रोवाइड करवाने के लिए बोलोगे भी ये जो क्रेडिट नोट है आप हमें मेल करो या व्हाट्सएप करो, जो भी है, चाहे आप मैनुअली वाउचर भेजो इसका, इसकी ट्रांजेक्शन हमें करनी है। लेकिन आपको ये ऐसा नहीं है भी आपने 145 की आपकी स्टेटमेंट में एंट्री है तो आप सीधा डायरेक्ट 145 की एंट्री हम यहाँ पर कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर पूरा वाउचर देखना है, हो सकता है इसके अंदर कोई हमारी GST की कोई ट्रांजेक्शन हो, यानी कि इसके अंदर कोई GST भी इंक्लूड हो सकता है इस अमाउंट के अंदर, तो वो आपको बिना वाउचर देखे इसकी एंट्री पास नहीं करनी है। अगर आपके पास में आपके टेबल के ऊपर ये क्रेडिट नोट अवेलेबल हो जाता है तभी आप एंट्री करोगे, न कि स्टेटमेंट को देख के, क्योंकि हो सकता है ये ट्रांजेक्शन आपकी हो ना गलती से कंपनी के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, जैसा कि कई बार हमारे बैंक अकाउंट में हो जाता है। अब बैंक अकाउंट के अंदर मान लीजिए आपकी गलती से कोई ट्रांजेक्शन हमारा कोई क्रेडिट या डेबिट हो जाता है तो बैंक उसकी रिवर्स एंट्री करके हमारा बैलेंस वापस जो सही कर देते हैं, तो ये बाई मिस्टेक भी हो सकता है और ये आपका ये रियल भी हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहले कंपनी से वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि श्री बालाजी इंटरप्राइजेज से इस बात का आपको प्रूफ लेना है, हमारा है तो वाउचर प्रोवाइड कराओ, नहीं है तो ये ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट से आप हटाओ। तो ट्रांजेक्शन मिलाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका कोई सप्लायर है तो जो सप्लायर ने आपको जो स्टेटमेंट दिए तो ये सप्लायर की जो डेबिट साइड होगी वो आपकी कंपनी, जब आप अपने बुक्स के अंदर यानी कि आप अपने टेली सॉफ्टवेयर में देखोगे तो वो आपको सारा डाटा क्रेडिट साइड में मिलेगा। आपको इस बात में कन्फ्यूजन नहीं होना है भी हमारे पास क्रेडिट में आ रहा है तो वहाँ डेबिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि पार्टी ने आपको डेबिट किया है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब ये इसकी जो भी क्रेडिट साइड रहेगी
वो क्रेडिट साइड की एंट्री आपके टेली सॉफ्टवेयर के अंदर डेबिट साइड के अंदर रहने वाली है। तो अब आपका एक तो ये 145 रुपए की वजह से आपका ये डिफरेंस आ रहा है, और अगर आप इसकी ट्रांजैक्शन करोगे तो इसके अंदर आपको ऊपर वाले जो 20 पैसे आपके आ रहे हैं उसकी आप चाहो तो राउंड फिगर एंट्री करके आप अपनी कंपनी के बैलेंस के साथ इसको एक्यूरेट है जो मिलान कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम बाकी सभी कंपनी की जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो मंगवाएंगे और हमारी कंपनी में एक एक लेजर को देख देख के उस सभी ट्रांजेक्शन को मैच करेंगे। तो आप अपने सीनियर अकाउंटेंट को या फिर जो कंपनी जिसने भी आपको ये बात बोली थी आप उनको पर ये चीज़ जरूर डिस्कस करोगे भी ये कंपनी के अकाउंट की स्टेटमेंट के अंदर एंट्री है बट हमारी बुक्स के अंदर इसकी एंट्री नहीं है, तो आप हमें कंपनी को बोल के इसका वाउचर प्रोवाइड करवाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर देना, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।